नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते मंदिरों की साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसी के तहत आजमगढ़ के मंदिर व्यवस्थापक भी अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वह मंदिर में प्रवेश करते समय प्रशासन द्वारा तय की गई कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। मंदिर में बिना मास्क के श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं कराया जाएगा। एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें और मंदिर में दिया, कपूर, अगरबत्ती का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। रात्रि 8:30 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा दी गई सारी गाइडलाइंस का यहाँ पालन कराया जाएगा। एक साथ किसी भी व्यक्ति को यहाँ 5 के अलावा एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर सुबह प्रातः 6 बजे से खुलेगा, जो रात्रि 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया, कपूर, अगरबत्ती और इस टाइप के कोई भी सामान का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। मंदिर में कोरोना को देखते हुए किसी भी सरकार के गाइडलाइंस के अलावा कोई भी कार्य यहाँ संभव नहीं होगा करना। जनता से हमारा अपील है कि सरकार का पूरा साथ दें, कोविड-19 का पालन करें और यहाँ पे लगे हुए जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे उनसे उलझने की कोशिश न करें। और 5 के अलावा जो है मंदिर में एंट्री 5 व्यक्तियों के अलावा यहाँ एंट्री न करें और प्रॉपर अपने मास्क और सैनिटाइजर को लेके चलें साथ में, ताकि इस महामारी से बची जाए और जनता को भी बचाया जा सके। और हमारा यही अनुरोध है कि मंदिर में अन्यथा भीड़ न लगाएं। बिना मास्क के प्रवेश मंदिर में कतई नहीं करने दिया जाएगा, इस बात को जनता अपने ध्यान में रखे। और प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे के बाद किसी को भी दर्शन का अनुमति नहीं। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी धर्म स्थल में एक बार में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। जो भी 5 लोग जाएंगे उनको भी मास्क लगाना, सैनिटाइजर कराना, वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाना, गोले बनाना, दूर दूर बैठालना, उनकी थर्मल स्कैनिंग करना, ये सब जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।